हम लोग आए हुए हैं अपनी खाला और खालू के साथ, मामा के साथ भी। ये जगह है बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों के दरमियान है। नेम आपको एंड पर बताएंगे इस जगह का। बड़ी वी आर स्टिल डिस्कवरिंग व्हाट प्लेस इज दिस। हाय, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हम जा रहे हैं जी बमाला की तरफ और ये है रास्ते में टेक्सला, जो संतराशु का शहर कहलाता है। खूबसूरत ये आप देख सकते हैं हैंडमेड चीज़ें, फिर रास्ते में खूबसूरत नज़ारे। यूईटी टेक्सला रास्ते में आती है जी, फिर खानपुर आ गया, फिर हम चलते गए रास्ते इंजॉय करते गए। मैं सोच रही थी कि मंजिल ही सब कुछ नहीं होता, सफ़र का भी अपना ही मज़ा है। तो यार हम रास्ते से फिर कुछ चीज़ें वगैरह परचेज़ कर रास्ते में खाते गए। दिस इज़ कुरकुरे, खानपुर डैम आ गया और चलते जाओ। फिर इसके बाद यहाँ से एक आगे रोड पर टर्न आता है, पिशावरी होटल के पास से माबाली को रास्ता जाता है 15 किलोमीटर, और फिर रास्ते में ये गंधारा होटल भी आया। मौसम भी चेंज हो रहा था, ऊंचाई पे जा रहे थे, रास्ता ख़राब सा होते जा रहा था। फिर प्यारे प्यारे ये घोड़े पास से गुजरे, इतने प्यारे लग रहे थे, गाँव वाले लोग इनको देख रहे थे। मैंने कहा बाहर निकल कर नज़ारा किया जाए। इतने साथ ठंडी हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया। पीछे ये मेरे पीछे ऊपर यहाँ पर बमाला की साइट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर बुद्धा का सबसे पुराना स्तूपा भी पड़ा हुआ है, जो कि एक लेटी पोजीशन में है। फिर हम वहाँ से आगे नीचे उतर गए, खूबसूरत। अब जब मैंने इसकी लोकेशन देखी तो हरू रिवर भी कह रहे थे इसको, लेकिन ये खानपुर डैम के साथ इसकी ट्रिब्यूटरी है। हम इस जगह पर आए हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, पीछे पहाड़ियाँ देखो, बहुत प्यारी जगह है। और अभी आप लोग मेरे बालों से उड़ते हुए नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बड़ी अच्छी तेज़ हवा चल रही है। और ऊपर हम गए हैं तो उन्होंने कहा है साइट बंद है, लेकिन क्या हुआ कि भाई वहाँ पर कुछ बंदों को परमिशन मिल गई और हमें नहीं मिली। आई डोंट नो व्हाट्स द केस, लेकिन सब यू। वहाँ का प्रेशर बहुत बहुत तेज़ था इस जगह। अच्छा, ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। मैंने देखा इस जगह पर रश नहीं थी ना लोग थे। वो ऊपर देखो एक लिफ्ट सी लगी हुई है, जिसके पास ये उधर से ऊपर पहाड़ी की तरफ एक केव बना हुआ है, वहाँ पर रास्ता जा रहा है। खालू जा रहे हैं वहाँ पर, पीछे कुछ लोग फिर बाद में आ गए थे घूमने फिरने, लेकिन हमने चारपाई ली और हम मज़े कर रहे थे पानी के अंदर। पत्थर बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, हम घर से जूते भी ले आए। और वो आपको केव नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला की कुदरत के शाहकार नज़र आ रहे थे। ये ना एक झोंपड़ी टाइप से, ढाबा टाइप से बना हुआ है, हम इसके अंदर हैं और थोड़े से लोग आए हुए, इतनी रश नहीं है, तो बड़ी पिक्चर्स बना रहे हैं। और हरम आप लोग देख सकते हैं किस चीज़ को ऊपर देख रही है। हरम क्या करने आई हुई यहाँ पर? हरम सिर्फ रोटी के लिए आई हुई। जगह पर मामूली सा छोटा सा चाय का ढाबा था, उसी से हमने चारपाई लेकर रखी थी। ये पत्थरों के ऊपर चारपाई पड़ी हुई है, फिर हमने कहा वापस भी रख के चले। फिर हम यहाँ से तकरीबन 2 घंटे रुक कर चले, फिर आगे ये खानपुर डैम के रास्ते में रुके। प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, खाला हालू की पिक्चर्स बना रहे हैं हम लोग। माबाली आता है रास्ते में वापसी पे। फिर हमारे अलावा वहाँ पर और भी बहुत से टूरिस्ट आए हुए थे। फिर ये बहुत प्यारा यहाँ से नीचे एक और रिजॉर्ट बना हुआ है। फिर हम जूलिया साइड भोले कबाब वाले के पास गए, बहुत अच्छी यहाँ पर अरेंजमेंट थी, थोड़ी मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा थी क्योंकि आउटडोर है। अच्छा, हम चूँकि फैमिली थे, उन्होंने हमें नीचे जगह दी, अंदर शेर व शायरी भी लिखी हुई थी, साथ हमारे और फैमिली एक बैठी हुई थी। अच्छा, इनके कबाबों की बात ही कुछ अलग थी, साथ अचार का तो जायके ने इन्हेंस किया इसको। चाय का टाइम हो गया था, फिर हमने कहा बाहर चारपाई पर बैठ कर चाय पी जाए। जो गाड़ी के ड्राइवर हमारे साथ थे उनको भी हमने चाय और खाना वगैरह खिलवाया। उसके बाद टेक्सला म्यूज़ियम गए, लेकिन म्यूज़ियम बंद था। तो हेयर वी एंड द व्लॉग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर भी आपको रील्स देखने को मिलेंगी।